सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मुद्दे चुनाव में रोजी रोटी के हैं, खेती बचाने के हैं, मजदूरी बचाने के हैं और हमारी नागरिक सुविधाएं बचाने के हैं, रोजगार बचाने के। जो संकल्प पत्र है वो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन का देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर और 2,000 रुपये हर घर में एक महिला को मिलेगी जी। मजदूरों का वेतन बढ़ाएंगे और ये जो भवन निर्माण के मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर हैं, खुली दिहाड़ी करने वाले हैं, इन सब मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवा के बोर्ड की सुविधाएं दे आएंगे। पीने का स्वच्छ पानी गांव में भी शहर में भी लोगों को मिले। 70 साल की आज़ादी के बाद शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, 80% गंदा पानी मिल रहा है जिससे बीमारियाँ हो रही हैं। और सब मिलकर के तमाम हमारे साथी किसान मजदूर व्यापारी महिलाएं मिलकर के आप काम करेंगे। हमारे पास जनशक्ति है, उनके पास धन शक्ति है, जनशक्ति धन शक्ति का मुकाबला करें। मेरे नवा गांव के किसान मजदूर साथियों, सबसे पहले तो आपके गांव में आए हैं और आपने जो स्वागत किया है, पगड़ी पहना के सम्मान किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद भी है। और ये आश्वासन भी देते हैं भाई, प्रतिज्ञा भी करते हैं कि आपकी पगड़ी का मान सम्मान हमेशा ऊंचा रखेंगे। शीला गोरा जी, हमारी बहन जी आई हैं, सुशीला जी हैं, आशारी टीम महिलाओं की आई भी है भाई। आपके बीच में ये आश्वासन दे के जाते हैं कि आप सभी की ताकत से, आप सभी के आशीर्वाद से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और ये जो नवा गांव है भाई, इससे तो हमारा बड़ा लगाव है। मनरेगा का काम आपा ने संगठित करके शुरुआत की थी, आज भी भिवाणी हल्के में सबसे ज़्यादा काम मनरेगा का नवा गांव में लगता है। और अपनी सरकार आ रही है गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, और भाजपा हार रही है। प्रदेश में अपने गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो संकल्प पत्र है वो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन का देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर और 2,000 रुपये हर घर में एक महिला को मिलेगी जी। 25 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। और ये पोर्टल में जो परिवार पहचान पत्र का लफड़ा इन्होंने उलझा रखा है, जिससे हमारे राशन कार्ड कट गए, बुढ़ापा पेंशन कट गई और बहुत सी स्कीमों में कटौती होगी, इस पोर्टल की आप छुट्टी करेंगे जब जैसे पहले था वैसे ही। और यहाँ पर मजदूरों का वेतन बढ़ाएंगे और ये जो भवन निर्माण के मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर हैं, खुली दिहाड़ी करने वाले हैं, इन सब मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवा के बोर्ड की सुविधाएं दे आएंगे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और उनकी कर्जा मुक्ति किसान मजदूर की, ये काम भी करेंगे। और भाई जो महंगाई के खिलाफ जो 14 चीज़ें राशन वितरण प्रणाली में ये जो मुफ्त मिल रहा है ये तो मिलेगा, इसके अलावा हम और 13 चीज़ें देंगे जो सस्ते रेट में, आपका तेल है, चीनी है, दाल है, कपड़ा है, साबुन है। क्योंकि केरल में अपनी सरकार है, वहाँ पर 14 चीज़ें सस्ती दी जाती हैं ताकि मजदूर महंगाई का मुकाबला कर सकें। ये कांग्रेस पार्टी की अपनी गठबंधन की सरकार लागू करेगी। दूसरा, जो परियोजना वर्कर हैं, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, सबको पक्का करवाएंगे, न्यूनतम वेतन लागू करेंगे। महकमों में खाली पद पड़े हैं उनको भरवाएंगे। और जो कौशल रोजगार निगम है, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हमारे गरीब लोगों के लिए जो प्रावधान है वो लागू नहीं किया आरक्षण का, ना ओबीसी का किया, ना अनुसूचित जाति का किया, उसको भंग करके उन सभी बच्चों को परमानेंट करेंगे जी। और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे जी। महकमों का निजीकरण को रोकेंगे। इस इलाके में हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए कोई बड़ा कारखाना लगे, क्योंकि 15 साल से कोई कारखाना नहीं लगा। हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं,
उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की। और सबसे पहले जो पीने का स्वच्छ पानी गांव में भी शहर में भी लोगों को मिले, 70 साल की आज़ादी के बाद शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, 80% गंदा पानी मिल रहा है जिससे बीमारियां हो रही हैं। सिंचाई के लिए किसानों के पानी की व्यवस्था करवाएंगे। और हमारी गलियां, अभी हम आए थे धिराना से, गली में निकल के वो जो ने दो दो हाथ का कीचड़ था उसमें निकला भी नहीं जाता। एक बहन गुजर रही थी मोटरसाइकिल पर, बोला जी मारे थी गली ठीक करवा दी, खर्चा बहुत हो रहा है। तो ये गलियां और ये इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे, जो भ्रष्टाचार करते हैं, नगर परिषद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसको हमारे जो विधायक हैं उसने संरक्षण देने का काम किया। और PID को लेके शहर में जो तालाबों की मंदिरों की ज़मीनें हैं, हमारे लालाओं के पुराने मकान हैं, उन पर भी कुछ कब्जा कर लिया। एक माफिया है, भू माफिया, उसको काबू करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और शहर में गाँव में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक बनाएंगे। चोरी डकैतियां फिरौती ये नहीं होने देंगे। व्यापारी भाइयों को पूरी स्वतंत्रता होगी, कोई भय नहीं होगा। हमारी बहन बेटियों की इज्जत बिल्कुल सही रखेंगे, कोई भय नहीं होगा, ऐसा वातावरण बनाएंगे। अपा भाई कोई बिजनेस करने नहीं आए, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा नहीं करेंगे। अगर पैसा बनाना होता, बिजनेस करना होता तो नौकरी नहीं छोड़ते जी। 6 साल पहले 1 लाख की नौकरी छोड़ के आए, जनसेवा के लिए आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो समानता के आदर्श हैं, हमारा संविधान जिन्होंने बनाया, उन आदर्शों को जो किसान मजदूर के मसीहा थे, वो महिलाओं के मसीहा थे, उनके आदर्श के आधार पर आप अपने ये कार्रवाई करेंगे। और सब मिलकर के तमाम हमारे साथी किसान मजदूर व्यापारी महिलाएं मिलकर के आप काम करेंगे, भिवाणी का विकास करवाएंगे अपने क्षेत्र का, और प्रगतिशील भिवाणी, बेहतर भिवाणी, विकास की भिवाणी बनेगी और सब मिलके करेंगे। हाँ, खिलाड़ियों के लिए भी भाई सुविधाएं दिलवाएंगे और नौकरियां उनको मिलें, ऐसा प्रावधान करेंगे। और अपनी खबर अखबार में नहीं लगेगी, क्योंकि जो बड़े मालिक हैं वो पैसा लेके अखबार में खबर लगाते हैं। हमने बोल दिया भाई 20 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, हमारा विधायक करोड़पति है, भिवाणी में कई जगह उसने प्लाट बना रखे हैं, उनसे ले लो, हम तो अपनी जनता को बात करते रहेंगे। हमारे पास जनशक्ति है, उनके पास धन शक्ति है, जनशक्ति धन शक्ति का मुकाबला करे, ये बताना चाहती। आखिर में एक PSEL और सारा कंपनियों ने भी भाई बहुत पैसे मार रखे हैं हमारे गरीबों के, ब्याज के चक्कर में गरीब फंस जाते हैं, वो पैसा भी अभी लोगों को मिला नहीं है। अपने को आशीर्वाद मिला आप लोगों का, वो पैसे भी लोगों को दिलाएंगे जी, जो पैसे मार रखे। और आखिर में जो अपना चुनाव चिन्ह है वो दाती हथौड़े का है। कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ समझौता किया है, समझौते में ये सीट दी है CPIM को, और 2 EVM होंगी, एक बड़ी EVM होगी जिसमें 16 नाम होंगे, दूसरा नाम ओम प्रकाश मिलेगा, साथ में दाती हथौड़ा सितारा, उसका बटन दबाना है, दूसरी EVM को नहीं छेड़ना, वो 2-3 नाम अलग से हैं, वो अपने नहीं है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा ध्यान एक और रखना भाई, आखिर में कोई भी ये साजिश खेल सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, ये भी अफवाह फैला सकते हैं, अरे हाथ का निशान तो है नहीं, ये दाती हथौड़े को क्यों दो, ये हाथ का निशान नहीं है, ये तरह तरह की गुमराह कर देंगे, वो बैठ गया, इस तरह की बातें भी ये कर सकते हैं, क्योंकि हार में बौखलाहट में ये कोई भी कदम उठा सकते हैं, उसकी सावधानी रखनी है। और एक बिल्कुल अपन है देखभाल करनी है और ध्यान रखना है, ये पैसे भी गरीबों में और नशे की चीज़ें भी बांट सकते हैं, ये नज़र रखनी है। कोई भी अनधिकृत आदमी आता है कोई सामान लेके, पुलिस को तुरंत सूचना देनी है कि भाई ये किस लिए आया है, ये इस तरह के धंधे ये कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अब इनको ये पता लग गया कि भाई तुम हारोगे, क्योंकि हमारे विधायक ने 15 साल तक जनता की उपेक्षा की है, जहाँ पानी के लिए लोग त्राई त्राई कर रहे थे वो वहाँ नहीं पहुँचे, मनरेगा के काम में नहीं पहुँचे, किसानों के जो आंदोलन थे उसमें नहीं पहुँचे, हमारी बहन बेटी खिलाड़ियों के आंदोलन थे उसमें नहीं पहुँचे, तो जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए ध्यान रखना है भाई, वो तिगड़मबाजी करके
कोई भी तिकड़मबाजी, अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करना है, कोई भी तिकड़मबाजी करें उसका ध्यान रखना है, ये जरूर ध्यान रखें। और बूथ कमेटियां बना करके वहां मोर्चा भी लगाएं, अपने लोगों के वोट भी कराएं। अगर हाँ ये काम नहीं कर, निशान समझाएं, हाँ निशान धराती हथौड़े का है, सितारे का है, वो हर अपनी बहन बेटी को, हर मजदूर को, हर किसान को ये समझाना है और मजबूत रहना है। भाई एक बात बता दें, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं जिनके लिए आंदोलन लड़ा 36 बरादरी के लिए, हमने वो 36 बरादरी आज अपने साथ चट्टान की तरह खड़ी है और मुद्दे चुनाव में रोजी रोटी के हैं, खेती बचाने के हैं, मजदूरी बचाने के हैं और हमारी नागरिक सुविधाएं बचाने के हैं, रोजगार बचाने के, वो मुद्दे चुनाव में जाति पाति चली गई, लेकिन आखिरी में तिगड़मबाजी करके कोई कुछ भी ये कर सकते हैं। और 36 बरादरी का आदमी भाई, मैं किसी एक जाति का नहीं हूँ, मैंने सबकी लड़ाई लड़ी है, ये मेरे मजदूर किसान और व्यापारी सब हमारे भाई हैं और इनके बीच में रहेंगे। जब भी पता लग गया कि भाई ये कोई ऐसी घटना होगी, हम तुरंत आपके बीच में आएंगे और आपके बीच में रहेंगे। आपका बेटा, आपका भाई, ये आपके लिए आया है भाई। और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता संजय कौशिक हैं, यहाँ तकदीर गरेवाल जी हैं, शमशेर सिंह जी हैं, सिंगल साहब हैं, शीला गोरा है, हम सारे मिलके सारे भाइयों से सलाह लेके आ काम करेंगे और बढ़िया भिवानी बनाएंगे, अच्छी भिवानी बनाएंगे। ये जो कचरा बना दिया इन्होंने, इसको टाइम तो लगेगा ठीक करने में, लेकिन जल्दी ही आप भिवानी को एक सुंदर शहर बना के, भाईचारे का शहर बना के, प्रगति का शहर बना के आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बनाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, समय दिया और जो सम्मान दिया, उस सम्मान को ऊंचा रखते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।